हॉलीवुड की फिल्में देखने में भले ही बहुत ही अच्छी लगती हों, लेकिन उनके पीछे बहुत बड़ी टीम और तादाद से ज्यादा पैसा लगा हुआ होता है। अब बॉलीवुड फिल्में हॉलीवुड फिल्मों के एक्टर की फीस की लागत के बराबर में ही बन जाती हैं। इस बीच फिल्म को हिट करवाने के लिए हॉलीवुड डायरेक्टर किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। ऐसे में बात करेंगे उन 5 हॉलीवुड फिल्मों की जो अब तक की सबसे ज्यादा लागत में बनी है। इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे साल 2010 में आई एनिमेटेड फिल्म टैंग लैड की। यह फिल्म पूरी तरह से एक कार्टून फिल्म है जो आपकी बचपन की यादों को ताजा कर देगी। बता दें कि इस फिल्म को बनाने के लिए करीब 1695 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म जॉन कार्टर बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। फिल्म में मंगल ग्रह बनाने में करोड़ों रुपए का खर्चा आया था। यह फिल्म 1720 करोड़ रुपए में जाकर तैयार हुई थी। इस फिल्म में एक से एक स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया और स्टेट पूरी तरह से एक्शन फिल्म एवेंजर्स में कई कार और सेट को तोड़ते हुए दिखाया गया है। ऐसे में निर्माताओं ने भी जी कर इस फिल्म पर पैसा बहाया। आपको बता दें कि फिल्म को बनाने में 1885 करोड़ रुपयों की लागत आई थी। मध्यकालीन समय को दर्शाती फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वर्ल्ड एंड वर्ल्ड वाइड पॉपुलर और हिट एक्टर जॉनी डेप और फिल्म 1956 करोड़ रुपयों में बनकर तैयार हुई थी। इस फिल्म को कॉस्ट्यूम और लोकेशन पर बहुत खर्चा आया। वहीं 4 साल बाद 2011 में फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का दूसरा भाग पायरेट्स ऑफ कैरिबियन ऑन स्टेज टाइट्स रिलीज हुआ था। यह फिल्म हॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में शुमार है और इस फिल्म में 2468 करोड़ रुपयों का खर्चा आया था। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपके लिए हम ऐसे लेटेस्ट वीडियो बनाते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।